दिस एनिमे हैज द बेस्ट एमसी, ऑब्वियसली बहुत खतरनाक वाला एमसी इस एनिमे के अंदर, जो तुम देखने के बाद तुमको पता चलेगा कि भाई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली इस एनिमे के अंदर जो एमसी है, एक होता है ना बहुत कुछ सीक्रेट्स, बहुत कुछ मिस्ट्रीज रहता है एमसी को लेके, जैसे कि वो जो एनिमे है क्लैश ऑफ द एलाइट उसकी तरह हम सेम नहीं बोल सकते, बट मिस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। और पर्सनली इस एमसी को मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा एंड बहुत ज्यादा कमाल का दिमाग है भाई उसके पास, बहुत खतरनाक वाला। बहुत टाइम से सोच रही है वाला जो एनिमे है मैं रिव्यू करूंगा, सोच के बस टाइम वेस्ट किया, कभी किया ही नहीं। आई नो कि तुम्हें से शायद बहुत सारे लोग देख रहे हो, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो न्यू एनिमे के साथ अपडेटेड नहीं रहते। तो या आई होप कि इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को पता चल जाएगा। एंड This is Anime Review Episode 31 and today we are going to talk about Tomodachi Game. Ah, chotto matte kure. Saigo no toukyou suru mae ni. तो यार जैसे कि मैंने पहले बताया, इस एनिमे का जो नाम है वो है तोमोदाची गेम। तोमोदाची इज अ जापानीज वर्ड जिसका मीनिंग है फ्रेंड, तो बोल सकते हो फ्रेंड्स का बीच में कुछ गेम। मेरे ये एनिमे देखने के पीछे बहुत बढ़िया एक रीजन है, वो ये है कि मैं स्क्विड गेम देख चुका हूं। आई होप तुम में से बहुत सारे लोगों ने देख चुके क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो एक दिन मेरे सामने एक न्यूज पॉप अप किया ऑन वेब की भाई स्क्विड गेम टाइप का कोई कॉन्सेप्ट वाला एनिमे आने वाला है। आई वॉज लाइक ओके, तो मैंने जाकर चेकआउट किया, थोड़ा रिसर्च किया एंड देखा कि भाई स्टोरी लाइन सही है, सही मतलब बहुत बढ़िया है ब्रो। अब ये मत सोचना कि एकदम से स्क्विड गेम की तरह है, नहीं भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, स्क्विड गेम आने से पहले इसका मांगा था, ठीक है? तो ये मत सोचना कि कॉपी वॉपी एंड ऑल, कुछ भी नहीं है। जब स्टार्ट करोगे तब तुमको पता चलेगा एनिमे कितना ओवर पावर है। तो न्यूज व्यूज देखने के बाद आई वॉज डैम एक्साइटेड, 2 महीने वेट करने के बाद तो या फाइनली एनिमे आया था हमारे सामने एंड मैं देखने गया। फर्स्ट एपिसोड देख के होता है तुमको पता है क्लिफहैंगर क्या होता है, तो यार हमारा खड़ा करके फर्स्ट एपिसोड पे छोड़ दिया। अगले एपिसोड, अगले वीक, फिर अगले वीक, ऐसे कर करके देख के जो 6 नंबर एपिसोड है वो देख के दिमाग फट गया भाई, इतना बढ़िया था। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड दिस एनिमे टू न्यूबीज बिकॉज इसको समझने में तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है उन लोगों को, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट। As I already said, बहुत सारे लोगों ने शायद ये एनिमे देखा है क्योंकि भाई बहुत हाई वाइब क्रिएट ब्रेट करके रखा है, एकदम पॉपुलरिटी गेन कर ली। बट स्टिल जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों से आप एकदम से मैं कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जैसे कि इसको देख सकते हो, यूची कातागिरी, ये हमारा एमसी है, ये बंदा बहुत खतरनाक है। जब मैं बोल रहा हूँ खतरनाक है मतलब कुछ ज्यादा ही खतरनाक है एंड इसको एकदम तुमको पसंद आने वाला है फॉर श्योर भाई। एंड देन हमारे पास एक और कैरेक्टर है, इसका नाम है तेंजी एंड इसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्वैग है एंड बहुत कुछ है जो मैं बोलने नहीं वाला हूँ क्योंकि बोलूंगा तो यार स्पॉइलर मिलेगा। उसके बाद हमारा एक और कैरेक्टर, इसका नाम है शिबे, ये बहुत मस्त है, बहुत अच्छा वाला कैरेक्टर है। उसके बाद 2 लड़कियां हैं एंड इस मैडम को तुम लोग देख सकते हो, योतोरी कोकुनोगी, ये कैरेक्टर बहुत मस्त लगने वाला है एंड इसके अंदर बहुत कुछ मिस्ट्रीज है। एंड उसके साथ साथ हमारे है शिहो सावारागी, ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो कुल मिला के यहाँ पर 5 मेन कैरेक्टर्स हैं, ये 5 लोग फ्रेंड्स रहते हैं जिसको जापानीज में बोलता है तोमोदाची। तो यार इनको लेके स्टोरी है भाई बहुत खतरनाक वाला, तो चलो बिना स्पॉइलर दिए हम लोग स्टोरी लाइन शुरू करते हैं। यहाँ पर जो स्टोरी है बहुत ज्यादा सिंपल भी बोल सकते हो एंड सिंपल ना भी बोल सकते हो क्योंकि हमारा जो यूची कैरेक्टर है इसको लेके बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज है भाई। तो बेसिकली जो बंदा है हमारा एमसी यूची, इसको बचपन में सिखाया गया था वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप और सिखाया इसके मॉम ने, ठीक है? पैसे वैसे पॉपुलरिटी ऑल, सबसे बढ़कर है फ्रेंडशिप जो इसके मॉम ने इसको सिखाया। और इसके हाई स्कूल में इसके 4 फ्रेंड्स हैं, जैसे थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस कराया, शिवे, तेंजी एंड बाकी 2 लड़कियां। तो बोल सकते हैं 5 जो है ना एकदम अच्छे दोस्त है एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर यूची वो खुश रहता है उन लोगों के साथ। तो जैसे कि हमारे नॉर्मल स्कूल के अंदर हमारे क्लास के अंदर फंड जमा करके ट्रिप के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी सेम हुआ था एंड उनके जो क्लास के फंड है ट्रिप के लिए वो चोरी हो जाती है भाई एंड सबका दिमाग उड़ जाता है, भाई हमारा ट्रिप का वो फंड है वो कहां गया, अभी ट्रिप पे कैसे जाएंगे, इतने सारे पैसे गायब कैसे हो गए। एंड वो पैसे गायब होने के बाद जो हमारे 5 जो मेन कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे एकदम से होता है ना एक अलग ही जगह पे चले जाते हैं। कैसे जाते हैं, क्या होता है, ये तुमको पता चलेगा फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद।
तो या उसके बाद से शुरू होती है स्टोरी या गेम बोल सकते हो तुम, दाची गेम एज फॉर समवन्स डेप, खतरनाक वाला गेम जो दिमाग को एकदम उड़ा के रखेगा। एंड प्लॉट्स भाई, इतने बढ़िया बढ़िया प्लॉट्स है जो तुम लोगों को एकदम होता है ना प्यार करने पे मजबूर कर देगा इस एनिमे के साथ। आई डोंट नो मेरी बातों से क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा है या फिर नहीं, बट मैं पक्का बोल सकता हूँ आंखें बंद करके इसको स्टार्ट कर दो आराम से, एकदम वर्थ वॉचिंग जिसको बोलता है भाई, बहुत बढ़िया है। 6-7 एपिसोड आए, 6 नंबर एपिसोड तुमको चुम्मा लगने वाला, मैं बता रहा हूँ ब्रो। मैं एमसी की तारीफ इतनी जल्दी नहीं करता हूँ अनटिल वो बहुत ज़्यादा ही कमाल का होता है। तो या आई होप तुम लोगों को अच्छा लगेगा ये वाला एनिमे, अगर अच्छा लगे तो मेरे को ऑब्वियसली फीडबैक इंस्टाग्राम पे आके देना यार, दे सकते हो यार, वहाँ पर रिप्लाई शिप्लाई कर देते हैं, स्टोरी वगैरह डाल देते हैं। अगर ये वाले एनिमे रिव्यू अच्छा लगे तो सब लोग मिलके दबाओ लाइक बटन, इट्स कंप्लीटली फ्री, पैसे वैसे नहीं लगता है ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, इट्स कंप्लीटली फ्री, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। एंड मन करे तो हमारा फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत जल्द फेसबुक ग्रुप से बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सारे के सारे आ जाओ। एंड नेक्स्ट एनिमे रिव्यू किसके ऊपर करें ये भी बता दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।